नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। तो इस वक्त हम मौजूद है एमए स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। आपको बताते चले, ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ पर नाका जो है वो लगाया गया है। अब मेटाडोर्स वालों की अब खैर नहीं, जिन मेटाडोर्स में वो क्या कहते हैं बताते चले डेक लगाए गए हैं, उनको यहाँ पे रोक के चेकिंग की जा रही है। और मौके पर आपको बताते चले डीएसपी मैम भी यहाँ पे मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से नाका लगाया गया मुझे लो। और यहाँ पे देखिए भागते हुए वो देखो वो ऑटो वाला भाग रहा है, उसको रोकते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और मेटाडोर वालों की खैर नहीं। ये देखिएगा, ये भाग रहा था ई रिक्शा वाला और यहाँ पे एक बड़ा नाका जो है एमए स्टेडियम के बाहर, ये देखिएगा ई रिक्शा वालों को भी यहाँ पे रोका जा रहा है। और मेटाडोर में जैसे आप चलते हैं मेटाडोर में, मेटाडोर वालों की बात करें तो मेटाडोर में काफी ज्यादा गाने जो है वो लगाए जाते हैं, काफी ज्यादा आवाज के कारण, जिस कारण से एक्सीडेंट भी बढ़ते जाते हैं। वहीं पे उसके दौरान यहाँ पे नाका लगाया गया है। अब मेटाडोर में पूरी चेक किया जा रहा है कहीं वो गाने डेक तो नहीं लगाए गए। यहाँ पे मौके पर देख सकते हैं डीएसपी मैम भी यहाँ पे मौजूद है। और नाके के दौरान फोर व्हीलर की बात करें, टू व्हीलर की बात करें, जिस प्रकार से अगर फोर व्हीलर की बात करें जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी उनको भी यहाँ पे रोक कर चलान किया जा रहा है। वहीं पे टू व्हीलर की बात करें अगर आपने हेलमेट नहीं पहनी तो उनको भी यहाँ पे रोका जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एमए स्टेडियम से बिल्कुल बाहर की तस्वीरें। वहीं पास ले चलते हैं, ये देखिएगा जनाब, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पे तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पे रोकते हुए और डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए। और यदि आप घर से निकल रहे हैं वो देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे, और जब नाका देखते हैं तब भागने की कोशिश करते हैं। अभी पास ले जाऊँ तस्वीरें, तब भागने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेट्रो को, ये देखिएगा पास ले चलते हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने के बाद क्यों भागने पे आए, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। भैया भाग क्यों रहे थे, भैया भाग क्यों रहे थे बताइए। हेलो, ये देखिएगा अब ट्रैफिक वालों ने रोक लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा जाम लग गया था और जिस दौरान भागते हुए नजर आ रहा था, और चालान ना कटे तो क्या हो। यदि आप घर से निकल रहे हैं आपको पहले ही बताना चाहिए कि हमें, अगर हम गाड़ी में हैं तो हमें सीट बेल्ट पहननी है, अगर हम टू व्हीलर पे हैं तो हमें हेलमेट पहननी है। और हेलमेट के साथ साथ जनाब अगर आप गाड़ी किसी पे भी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ में रखने चाहिए। बाद में बात आती है डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, स्पेशल नाका, स्पेशल मोबाइल, मैजिस्ट्रेट की तरह से फर्स्ट क्लास ट्रैफिक नाका जो है वो लगाया गया है। चलान किस प्रकार से काटे जा रहे हैं वो देखेगा, अभी पास करें तस्वीरें यहाँ पे दिखा दें, स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट की तरफ से यहाँ पे नाका लगाया गया है और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और यदि फिर से मैं कहूँगी, ये देखिए डेक जो है जब्त कर लिया गया है, ये गाड़ी से निकाला गया डेक जो लगातार नाके लगाए जाते हैं। पहले भी कहा जाता है कि म्यूजिक सिस्टम जो है वो नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन चोरी से गाड़ी वाले, वो देखिए फेंकते हुए तस्वीरें, ये देखेगा ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है इसमें से म्यूजिक सिस्टम निकला है। जनाब आप गाड़ियों वालों को भी कह दें कि जनाब म्यूजिक सिस्टम मत इस्तेमाल कीजिएगा, बाद में इसी तरह से रोक कर आपको चलान किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए रोकते हुए भाग रहा था, मैं दिखा रहा था, खाली बाद में दिखाया ना, पहले तो भाग रहे थे, नहीं भाग रहा था मैंने, एक भागने वाला कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये भागते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं, खुशी देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं जनाब, और पकड़ा नहीं गया मैं, बहादुरी। चलिए अच्छी बात है। ये देखिए अब गाड़ी जो है, चल अंदर, ये गाड़ियों को रोकते हुए और चेक करते हुए कहीं म्यूजिक सिस्टम तो नहीं है। ये देखिएगा, चेकिंग करते हुए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा से, ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अंदर जा चुके हैं और देख रहे हैं, यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कहीं म्यूजिक सिस्टम तो नहीं लगाया गया। और कभी कभार ट्रैफिक वालों को देख के जो डेक है वो बंद कर देते, गाने जो है वो बंद कर देते हैं और छुपा देते हैं जनाब। तो आपकी गाड़ी को अच्छे से चेक किया जाएगा। अब आप लोगों की खैर नहीं, वहीं भी बोलेंगे। यदि फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप, यदि आप फिर से मैं बोलूँगी, तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिएगा क्या हुआ। मैम डॉक्टर के पास लेके जा रहा था मम्मा को, और सी डी जी लॉकर में फोन घर पे है। अब ये कह रहे हैं आपका ई रिक्शा जी। अच्छा, तो मैम वो डॉक्यूमेंट्स रख ली, मम्मा बीमार है, ऑटो में बैठे हुए हैं। तो पर आपको नहीं पता कि जब भी घर से निकलते डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, कंपलसरी है। फोन में है मैम, छोटी बेटी है मेरी मैम, उसने फोन छीन लिया मेरे से। मैंने बोला कि मैं आ जाऊंगा इतनी देर में, वो रिस्क बन गया मेरे लिए। चलिए एक दूसरा ई रिक्शा रोकते हैं, तस्वीरें ये देखिएगा, ये तस्वीरें देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पास करें अभी, ये देखिएगा। ई रिक्शा, मेटाडोर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ी की बात करें, और साथ ही साथ ई रिक्शा के पास लाइसेंस भी इनके पास है, ये तस्वीरें देख सकते हैं, सब कुछ है इनके पास, और इंश्योरेंस भी चेक की जा रही है, सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। ई रिक्शा का जो है वो लाइसेंस भी है। हम कहें ना सभ्य नागरिक की तरह और सभ्य इंसान की तरह, अगर ई रिक्शा पहले लाइसेंस चेक करवाते हुए और ई रिक्शा वाले की तरफ से डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो अच्छी बात है जनाब, लेकिन ट्रैफिक पे नाका जो लगाया गया है उनको देके भी रोकेगा, और डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे कोशिश के डॉक्यूमेंट्स रखेगा। ये दूसरा ई रिक्शा को रोकते हुए ये देखेगा, दूसरे ई रिक्शा को रोकते हुए ये देखेगा, वो गाड़ी को रोकते हुए वो देखेगा, पीछे हेलमेट नहीं, अभी पास आए। अब टू व्हीलर वालों आपकी खैर नहीं, स्कूटी पे एक लड़की चला रही है और पीछे देख सकते हैं हेलमेट जो है वो नहीं पहनी, ये लाइव तस्वीरें देखेगा। अब नहीं मानेंगे ट्रैफिक वाले, अपना काम कर रहे हैं, बाद में एक्सक्यूज दे रहे हैं, देखेगा अब एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, अब एक्सक्यूज जो है जनाब आपका नहीं चलेगा। ये भागने की कोशिश करेगी मुझे लग रहा है, ये भागते हुए युवती देखेगा, अभी भी नहीं मान रही, अभी भी नहीं मान रही, ये देखेगा साइड पर ले जाते भागने की कोशिश करते हुए, ये देखेगा अब इनके पास हेलमेट नहीं है, ये साइड पर ले जाते हुए, ये देखेगा अब इनकी फोटो खींची जाएगी चलान के लिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि भागने की कोशिश करेगी, और आप पहले से ही हेलमेट पहनेगा, आप पहले से ही हेलमेट पहन के रखिएगा, और साइड पे आ जाए अभी, यहाँ पे तस्वीर मैसेज दिखा दीजिए, और हेलमेट क्यों नहीं पहनी, आपको पता हेलमेट कंपलसरी, अपने आई नो मैंने हेलमेट डाली हमारे पास, उन्होंने नहीं पहनी, आपको पता गलत है, उन्होंने नहीं पहनी, उनको मैंने यहीं से पिक किया है, अब क्या कर सकते हैं, एक ही हेलमेट थी, पर मैं हमेशा, आपको तो पता, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है ये तो कब से चल रहा है कि दोनों पर्सन को हेलमेट, आई नो आई अपोलोजाइज फॉर दिस, पर प्लीज अभी हमको जाना है अर्जेंट, आप उनसे बात कर सकते हैं, हमारा काम है वो अपडेट करना, पर मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं गलती है, आप मानते हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं नेशनल हाईवे पे चल रही हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ हेलमेट दोनों के पास, आपसे जाने के क्या कहोगे आप, गलती है हमारी, और क्या कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से खुद, तो ये बंदे खुद हेलमेट है ना, ये सीट बेल्ट लगाते, मैंने कई देखे, ये ना ट्रैफिक वालों को ना, इन्होंने सीट बेल्ट आज तक डाली, हमारे चनैनी में, चनैनी से हूँ है ना, ना इन्होंने सीट बेल्ट डालते हैं, कईयों के अपनी गाड़ियों का इनका होता नहीं सिस्टम है ना, तो तंग तो ये करते सभी को, तो अपना तो देखते नहीं है ना, तो फिर हम, मुझे पता क्या हमारी गलती, हम इधर गए थे रियलमी स्टोर है ना, तो इधर से आ रहे इधर जा रहे थे खाली है ना। चलिए क्या कहना चाहोगे बाकी जो लोग देख रहे हैं आपको, बाकी बस यही डालो हेलमेट, चोरी पकड़ो, वीडियो वायरल कर दो, सही है, वीडियो वायरल कर दो, देखो इनकी गलती पकड़ी जाए, चलिए एनीवे थैंक यू। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जब ये खुद गाड़ी चलाते हैं, जब खुद टू व्हीलर चलाते हैं, तब ये क्यों नहीं रोक, बस को रोकते हुए अभी दिखाए, ये देखेगा ई रिक्शा, ये देखेगा भागते हुए, भागने की कोशिश करते हैं ये लोग, ये देखेगा भाग गया, आगे पकड़ा गया, अब आपकी खैर नहीं जनाब, देखेगा
अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आप भागने की कोशिश करते हैं तो जनाब बहुत बड़ा नाका लगाया गया है, काफी लोग हैं, दो लोग नहीं है, छोटा सा नाका। अभी ये देखिएगा, अब हमें पकड़ा गया। बात क्यों रहे हो भाई मेरे, बात क्यों रहे हो? मैम ये देखो, क्या देख ले? ये देखो, ये टूटा हुआ इसका। टूटा तो फिर भागे क्यों? अगर टूटा तो फिर भागे क्यों? घर से निकले क्यों अगर वो टूटा है? नहीं सर, मैम मैं कंपनी जा रहा हूँ। कंपनी जा रहा हूँ, रुकना चाहिए आपको बाहर जाकर? नहीं नहीं मैम, चलिए निकलेगा। अब देखिएगा, रोक लिया गया है डॉक्यूमेंट करते हुए सरकार से रोक कर, बाद में जब रोकने पे बात आती है तब बहाना दिया जाता है। ये नाका जो है एमएस स्टेडियम के बाहर, बिल्कुल अभी तस्वीर घुमा दे, यहाँ पे कितना बड़ा, ये देखिएगा लाइव तस्वीर है। और बाद में कहा गया भाग नहीं रहा था मैं, वहीं पे बस, चाहे बस की बात करें, ई रिक्शा की बात करें, लाइव तस्वीर है एमएस स्टेडियम के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, किस प्रकार से नाका लगाया गया। अब आपके खैर नहीं जनाब, पहले ही मैं बता, जब भी घर से निकलते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट साथ रखिएगा और वायलेशन मत कीजिएगा। अगर नाका लगाया गया है उस दौरान आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, अगर डॉक्यूमेंट सारे हैं तो तब भी आपको रुकना है जनाब। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग भी इस नाके से निकल रहे हैं और रुकेगा और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास रखेगा जनाब। बाद में बात आती है एक्सक्यूज पे, बाद में बात आती है झगड़े पे, या बाद में बात आती है सिफारिश पे, इससे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पास रखिएगा। आप भागे थे भैया? नहीं मैम, भागे थे नहीं मैम, कागज पूरे हैं, देखो ना आप। रोका क्यों नहीं आपने? मैम इतने भीड़ में मैंने साइड में रोकता हूँ बस के आगे। हाँ जी, चलिए दिखाइए डॉक्यूमेंट्स की बात ही। ये देखिएगा वो पर्सन है जो भागता हुआ जा रहा था, और अब मेरा ना पाँव थोड़ा वो नहीं है, देखो ये। अगर आपका पाँव ठीक नहीं है, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत हो, आप लेके रिस्क पे क्यों जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ कंपनी, जा रहा हूँ कंपनी, अच्छी बनाई है कंपनी। वो कंपनी से मिलिए पहले, पहले इस कंपनी से मिलेंगे उसके बाद ही बात होगी। कंपनी में जा रहे हैं और बच्चा साथ बिठाया हुआ है, अब इस कंपनी से मिलना पड़ेगा जनाब, उसके बाद ही बात होगी। बाद में बात आती एक्सक्यूज की, पहले से ही आप लोग घर से जब निकलते हैं डॉक्यूमेंट्स रखिएगा, वायलेशन मत कीजिएगा। बाद में बात सिफारिश पे आती है, ये देखिए पाँव दिखा रहे हैं, अब बेटा साथ है, बच्चा भी साथ है, और इतनी तेज गाड़ी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे नाका जो है वो लगाया गया है। और तो पास करके दिखा दें, यहाँ पे रजनी मैम भी मौजूद है, यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, थोड़ा से रुक, यहाँ पे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं पे ये नीचे देख सकते हैं, ये जो म्यूजिक सिस्टम जो है गाड़ी में से निकाले गए हैं, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से नाका जो है वो लगाया गया है। और स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट की तरफ से एमए स्टेडियम से बाहर। और अब अगर आप भी यदि बाहर आ रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट साथ रखिएगा, टू व्हीलर पे है तो अपने हेलमेट पहनिएगा, फोर व्हीलर पे है तो सीट बेल्ट पहनेगा, बस मेटाडोर या ई रिक्शे वाले हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रखिएगा और उसमें डेक का अभी साइड हो जाए इस्तेमाल मत कीजिएगा। वहीं पे बसेस को भी रोका जा रहा है, हर एक गाड़ियों को यहाँ पे रोकते हुए एमए स्टेडियम से बिल्कुल बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आप भी घर से निकल रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स रखिएगा और रूल्स का वायलेशन मत कीजिएगा। और जहाँ पे भी नाका देखे, चाहे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, वहाँ पे रुकिएगा जनाब, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको नहीं रुकना। देखते रहिएगा हमारे चैनल को, यूं ही प्यार करते रहिएगा दिल्ली लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन अनमोल के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।